పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ మాట్లాడుతున్నారు. లవిలో చూద్దాం. परिणाम है कि देश में 275 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. मेरी सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. किसानों को उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल सके इसके लिए देश की कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने का कार्य जारी है. इनाम पोर्टल पर अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि वस्तुओं का व्यापार किया जा चुका है. दशकों से लंबित 99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम भी प्रगति पर है. दलहन और तिलहन क्षेत्र के उत्पादन बोनस के माध्यम से भी सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है. दालों के लिए बनाई गई नई नीति की वजह से पिछले वर्ष की तुलना में दाल के उत्पादन में 38% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, जो एक रिकॉर्ड है. किसानों की उपज बाजार तक पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त ना हो, देश में कृषि उत्पादों की बर्बादी ना हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है. इसके तहत कृषि क्षेत्र में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए की डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है. मेरी सरकार की नीतियों की वजह से जहां एक तरफ यूरिया का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 100% नीम कोटिंग के बाद यूरिया की कालाबाजारी भी रुकी है. गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, तालचेर और रामागुंडम में उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. माननीय सदस्यगण, गरीबों, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए मेरी सरकार संवेदनशील और सक्रिय है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है. वर्ष 2017 के दौरान रबी और खरीफ की फसलों के लिए 5,71,00,000 किसानों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है. इसी तरह मेरी सरकार ने गरीबों को 1 रुपये प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर बीमा योजनाएं सुलभ कराई है. अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा गरीब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ चुके हैं. इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिल चुकी है. बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मेरी सरकार वचनबद्ध है. अटल पेंशन योजना के तहत लगभग 80,00,000 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं. माननीय सदस्यगण, एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मेरी सरकार देश में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी लाभ हो रहा है. देश भर में लगभग 2,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जो सस्ती दरों पर देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी विभिन्न सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी कर रहे हैं. भारत नेट परियोजना के तहत देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है.